enjoy your evening drive with RJ Rachna on Suhana Safar, Sunday to Thursday, 6 p.m. to 8. Sometimes all you need is dance, a therapy that brings you back to the person you are. मैं डांस की बातें क्यों कर रही हूँ? वैसे मेरा डांसिंग का मूड तो मोस्टली वीकेंड को ही होता है, लेकिन आज जो मेरे साथ पर्सनालिटी है, जो ब्यूटीफुल पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, जो कि ब्यूटीफुल ना ही सिर्फ आउटसाइड है बट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल इनसाइड, इज अ डांसर. मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं कहूंगी क्योंकि वो जिन बैकग्राउंड से आती है वो बहुत ही क्या कह सकते हैं, आदरणीय बैकग्राउंड है, और मेरे मुंह से शायद कुछ गलत छलक निकल जाए तो मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन हो जाएगा. सो इट्स बेटर है कि आई लेट हर स्पीक. सो वेरी वार्म वेलकम गुरु अरंधति, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच रचना फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी हियर इन अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म लाइक मैंगो मरीना. And I extend my thanks to the entire team of Mango Marina. And I'm actually very overwhelmed. Wow. We are overwhelmed to have you here. कि हमारे स्टूडियो में हम RJs हमेशा हिप हॉप करते रहते हैं, तो आज थोड़ा कल्चरल आ रहा है, क्लासिकल मूड आ रहा है हमारे स्टूडियो में. सो यू रियली फील गुड अबाउट इट. सो टेल मी, हाउ डिड यू योर जर्नी स्टार्ट? माई जर्नी स्टार्टेड, ओके, सो आई कम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड. माई डैड वॉज वर्किंग फॉर द इंडियन एयरफोर्स. Mm-hmm. And he retired as a group captain. Okay. So definitely transfer तो बहुत ही होता था. तो मेरी जन्म हुई थी शिलोंग में. शिलोंग, that's a beautiful place, yes, right? Scotland of India. सही है. वहाँ से originally I'm from Assam, but रह नहीं पाई वहाँ पे ज्यादा, क्योंकि फादर की आपके शिफ्टिंग होती रहती थी, जॉब होती रहती थी बहुत ज्यादा. तो ऐसे होते 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 I picked up from dance steps very quickly in my life, you know, very early in my life. Like I was into dance school from the age of 4. Oh wow, तो आपके background कोई है जैसे dancers है आपके? Dancer तो कोई नहीं है. My mom, she used to play sitar. उन दिनों क्या होता था, पहले तो इंटरनेट वगैरह नहीं होती थी, तो उनकी एक्टिविटीज ऐसे चीजों में होती थी. माई डैड ही इज एन अमेजिंग सिंगर, कोई भी गजलें गवा दो गा लेंगे, कोई भी सॉन्ग्स गालो तो वो गा देंगे. तो ही हैज गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस. सो ही एंड मी, वी डोंट सिट टुगेदर व्हेन वी सिंग, आई हैव अ वेरी बैड वॉइस. सो ही गॉट, या सो माय एल्डर ब्रदर बैक देन ही यूज्ड टू प्ले द तबला, बट दीस थिंग्स वेर जस्ट अ होम, यू नो, एनवायरमेंट था. ऐसे प्रोफेशनली तो किसी ने नहीं लिया. सही है. तो वहां से हम लोग ऑब्वियसली ट्रैवल इधर उधर. आई स्टार्टेड, यू नो, मिंगलिंग विद द लोकल्स अ लॉट. उनके फोक डांस, उनके रहन सहन, दोनों साथ साथ चलते थे. तो फाइनली शी सेड, यू नो, अगर तुम्हें डांस में ही जाना है तो दिस इज इट, यू नो, दिस इज इट. और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद अपने प्रोफेशन को चुना नहीं. तो ऑब्वियसली मुझे आना था, शादी साथ में रहना था. तो वही 2013 में शायद मैं यहाँ आई. 2013 में. सो सिंस देन आई एम हियर. तो आप यहाँ पे क्लासेस लेने से पहले इंडिया में भी लेते थे क्लासेस? इंडिया में क्लासेस कम लेती थी, लेकिन मैं परफॉर्मेंस बहुत करती थी. ओके. तो आई वाज हार्डली एट होम. तो आई वाज ऑन ऑलवेज ऑन द ट्रैवलिंग बोट. तो आप यहाँ भी परफॉर्म करते हो या वहाँ? आई परफॉर्म एंड माय स्टूडेंट्स परफॉर्म. वी आर मोर इनटू परफॉर्मिंग एंड ऑल्सो इन टीचिंग बोथ. तो साथ साथ, क्योंकि सीखेंगे तो परफॉर्म करेंगे. एब्सोल्युटली राइट. तो absolutely ये right. बहुत इम्पोर्टेंट. और मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ डांस करना बहुत पसंद है. मैं बैठ के क्लास नहीं ले सकती. ओके. तो उनके साथ खेल के, मतलब, यू नो, मस्ती करके. सो व्हाट इज एज ग्रुप? कहाँ से, कितने एज ग्रुप से आपके स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास? फोर इयर्स से आ जाते हैं. सेम एज व्हेन यू स्टार्टेड इट? यस. आई थिंक जितना जल्दी शुरू करो उतना जल्दी अच्छा होता है, बिकॉज द स्लेट इज
clean and you can teach them the real art and the real techniques. Yeah, you know, they are like sponge at that age. Right. So whatever you, and they just copy you. Okay, ma'am is doing this, I should do it. Correct. You know, and if you teach them in their language, which is playful nature, that's the best class that I have. More than my seniors, you know. Okay, seniors kitni age group ke hain aapke paas? Hamare school mein age limit to bilkul nahi hai because I have students up until, you know, 55-60. Okay, the ladies also. Ladies, we have a very beautiful ladies group. And age to shayad hum kabhi puche hain. Achha, okay. Yeah, so I always tell them, you know, try to remember the numbers that you have learnt. More items, more steps, then keep thinking about how old you are. Absolutely. So, age, I don't believe in. Correct. I mean, correct. I think it's just a number. And fitness comes with how you are taking care of your body. So, what is the name of your institute here? The name of my institute is Nritya Dhyana. नृत्य ध्यान उसका मतलब है ध्यान नृत्य से होता है मतलब मेडिटेशन मेडिटेशन थ्रू डांस थ्रू डांस एंड विच इज लाइक दैट यू नो विच इज ट्रू आप जब कुछ भी चीजें कोई भी चीज आप मन से करते हो ना वही आपका मेडिटेशन है आप कुछ सोचते नहीं हो उस वक्त दैट्स ट्रू ये मेडिटेशन हमें उस जोन में ले जाए उससे पहले मैं एक और चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और वो है आज का मैच जो कि होने वाला है अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच में एट अराउंड 10 o'clock इन नाइट जी हाँ आप कितने एक्साइटेड हो इसके बारे में जल्दी से यार मुझे बता दो 633-7609 क्योंकि आने के बाद मैं मैम से भी पूछूंगी कि कौन सी टीम को वो सपोर्ट कर रहे हैं कौन सी टीम को मैं सपोर्ट कर रही हूँ वो भी आपको बताऊंगी यार थोड़ी देर में बट फिलहाल बताते चलो यार कि अर्जेंटीना है वो इट हैज नेवर लॉस्ट अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अप टिल नाउ अब तक वो 4 बारी सेमीफाइनल्स में आए हैं और चारों में से एक भी बार जी हाँ एक भी बार वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल नहीं हारे हैं नॉट ओनली दैट अगर अर्जेंटीना इतना आगे है तो क्रोएशिया की भी क्या बात करें उन्होंने भी अब तक कभी भी पेनल्टी शूटआउट राउंड में कभी भी मिस नहीं किया एक भी वर्ल्ड कप के अंदर तो उन्होंने अब तक मतलब चार बार उनका पेनल्टी राउंड में गया है टीम और चारों के चारों बार वर्ल्ड कप में पेनल्टी राउंड में वही जीते हैं सो समझ लो यार आज कौन से दो टीमों के बीच में जो होने वाली है जंग दैट इज अर्जेंटीना एंड क्रोएशिया 10 बजे शाम को और आई एम सो वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस टू टीम्स आप वैसे कौन सी टीम के साथ हो मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए 633-7609 और इसी वर्ल्ड कप के लिए यार फीफा का गाना तो बनता ही है सो कमिंग अप फॉर यू इज लाइक द स्काई नोरा फतेही ऑन द फ्लोर आप इस सुहाने सफर में रचना आज मैं अकेले नहीं हूँ आज अरुंधति गुरु जी भी मेरे साथ है तो चलिए आके उनसे कुछ और बातें करते हैं फिलहाल थोड़ा वेस्टर्न गाना सुन लेते हैं Tune in every evening for a beautiful journey with RJ Rachna on Suhana Safar from Sunday to Thursday, 6 p.m. to 8 p.m. उफ यारा आज तो मेरा टाइम ऐसे जा रहा है ना कि पता ही नहीं चल रहा आधा घंटा खत्म होने वाला है सुहाना सफर का और आई एम नॉट एबल टू रियलाइज इट एट ऑल हम लोग बीच बीच में इतनी सारी चिट चैट कर रहे हैं ना कि मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है कि कहीं गाना स्किप हो गए हमारा बोलने का टाइम ना आ जाए यही होता है यार जब दो लेडीज साथ में होती है यस आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव जॉइंड विद मी टुडे राइट नाउ एट दिस वेरी पॉइंट ऑफ टाइम लेट मी टेल यू दैट आई हैव एन अमेजिंग टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड आई शुड से पर्सनैलिटी विथ मी जो कि सबको अपनी उंगलियों पे नचाती है और नॉट ओनली अपनी उंगलियों पे नचाती है वो वाकई में बहुत रिदम पे नचाती है सो अरुंधति जी वेरी वार्म वेलकम टू यू वंस अगेन इन आवर स्टूडियोस देखो आज आपकी वजह से हमारा स्टूडियो कितना रौनक रौनक हो गया है लिटअप हो गया है एकदम से और थोड़ा डिसिप्लिन भी लग रहा है मुझे यू नो नहीं तो हम लोग बहुत हिप हॉप वाले हैं सो टेल मी अबाउट योर जर्नी एंड एज अ भरतनाट्यम डांसर यू आर सो आप कितने बैचेस लेते हो रोज लेते हो व्हाट आर योर टाइमिंग्स ऑफ योर क्लास वेयर इज योर क्लास सिचुएटेड yes about your classes okay Nritya Dhyana is situated in block 10 Salmiya kahan par exactly just behind ICSK senior school yes weekdays roz hoti hai definitely in the evenings around 4ish to 8
Wow, so yeah. 4 to 8 you are literally dancing? No, not literally dancing. But I mean you are on your toes, on my right? toes. You are on your toes, yeah. you are instructing, yes, you are talking yes. with them, you are guiding them. Oh, yes, yeah. So 4 to 8 is a long yeah. time. Precisely, the class starts at 4:30, but I make sure of I'm course, there. Of course, you have to be there, check the system, yes, sound everything and everything. I'll lit up, you know, lights are on, AC's on and everything. So yes, I'm precisely with my kids from 4:30 till 7:45. Uske baad, you know, sab kuch band karke and all that. Right, so how many batches you have from 4:30 to 7:30? Every day there are at least three batches different yeah. age groups. Different how age do you group. Conduct it? You conduct it in the level of their progress, yes. or it is as per the age level group? Of level the of the progress. At the time they have joined. Okay. Yeah, so विजयदशमी तो आपको पता ही होगा जो नवरात्रि में होती right, है right. तो मेन एडमिशन विजयदशमी के दिन में होती अच्छा. है अक्टूबर में जब लास्ट डे ऑफ नवरात्रि और एडमिशन उस दिन बहुत उसी महीने में होती है तो उस okay. महीने so बैच ज्वाइन इन बिटवीन यू कैन ज्वाइन लेकिन तब बैच बनने का शुरू होता है तो उसके बाद पूरे साल में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं वो बच्चा कितना है कितने एज ग्रो किया है और हैज ही लर्नड बिफोर इट्स स्टाइल वेरी डिफरेंट तो ये सब देख के आई पिक अ बैच और आई पुट देम इन द पर्टिकुलर बैच दैट वे सो सब कुछ देख के करती हूँ एक छोटी सी इंटरव्यू भी होती है अगर वो बच्चा डांस कर रहा हो पहले से अगर नहीं किया हो तो बेचारे को क्यों ऐसे आई जस्ट पुट हर in a normal batch as a beginner batch do you have any boys coming in your institute we do but they don't last oh they don't last very sad very unfortunate I think it is peer pressure also to some extent friends said mazak udate ho tum bharatnatyam sikhne jaate ho are tumhe kya zarurat hai so I think it doses off when they go as they mein aisa hai you know oh in india you have oh my god in india mein itne sare jo male dancers hai I always tell my students are better dancers than women एंड ऐसा नहीं कि डांस से फेमिनिटी बढ़ती है नो 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 आई हैव सीन मैस्कुलाइन बॉडीज डांसिंग सो विद सच एलिगेंस एंड पनाश आई मीन यस दे लुक लवली एंड स्प्लेंडेड बॉडी स्प्लेंडेड यस एंड देयर एक्सप्रेशंस आर सो नाइस एंड यस जिसमें फेमिनिटी है वो तो वैसे ही होने वाला है सही है तो ऐसा नहीं कि डांस से ही होता है बट या ऑल ओवर द वर्ल्ड आई हैव सीन मेन फ्लेमेंको डांसर्स यस यस ट्रू अमेजिंग और वैसे भी अगर भरतनाट्यम कपड़ा डांस कर रहा होता तो मैं तो आदमी को ज्यादा देखती हूँ फिर और वो कॉस्ट्यूम वगैरह के साथ लुक अमेजिंग सो आई वुड लव टू हैव मेल डांसर्स इन माय स्टूडियो लेकिन अनफॉर्चुनेटली आते हैं और नहीं रह पाते पता नहीं क्यों लेकिन बट आई ऑलवेज होप टू सी मोर यू नो ताकि वो भी सीखे इंडियन कल्चर को जाने देखे आप कहाँ से हो किधर से बिलोंग करते हो बट हाउएवर आई हैव गॉट फ्यू गुड मेल डांसर्स बैक इन इंडिया एंड दे आर डूइंग वेरी वेल सो एज आई से दे आर गुड इक्वली गुड एज द गर्ल्स ओके सो अगर आप मेल डांसर हो और आपके दिल में थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मुझे सीखना तो चाहिए सो वी हैव एन इंस्टीट्यूट हियर एन एकेडमी हियर हु विल टेक यू विदाउट एनी हेजिटेशन एंड यू कैन लर्न ग्रूम योरसेल्फ नॉट ओनली दैट अपने दिल की इच्छा पूरी करो यार जिंदगी एक ही मिलती है सो यू शुड रियली लर्न दिस आर्ट अनदर थिंग विच आई ऑब्जर्व अबाउट भरतनाट्यम इज क्योंकि क्लासिकल डांस है आई थिंक इसमें बच्चा या पर्सन बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाता है कंपेयर टू अदर वेस्टर्न डांसेस Is there a lot of difference between hip hop and you know in not in terms of techniques but in terms of discipline? हम इसके बारे में और जानेंगे अरुंधति जी से in some time. फिलहाल तो मुझे काफी सारे answers मिल रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि वो किसकी तरफ है और mostly सारे लोग अर्जेंटीना की तरफ ही है यार ऐसा नहीं करो कोई तो मेरा साथ दे दो मैम by the way do you watch football? Do you like football? Yeah, I like football. You love football. Okay, yeah. so who which team are you supporting I today? I was Argentina? Supporting Spain. यूएस अभी तो चला गया छोड़ो उसको आज ये अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच में तो क्रोएशिया अरे चलो ये यार मेरी टीम फिलहाल तो एक ही हम दोनों क्रोएशिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो चले देखते हैं कि जैसे जैसे 10 बजेंगे तो क्या हाल होता है फिलहाल तो लिसन टू दिस ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप फॉर यू जस्ट इन 3 2 1 गो Bank-to-bank money transfers, mobile wallet transfers, cash pickup services, and foreign exchange services. Download now. Call 222-60433 or 588-54238 for more information. Sapphire.
bigger the brand, the bigger the price tag, right? Well, not at BBC. Big brands, small prices. Discover fashion, footwear, toys, perfume and beauty on brands like Adidas, Skechers, Crocs, Tommy Hilfiger, Levi's, Puma, LOL, Barbie, and an exclusive back-to-school collection for the kids. Starting from just 10 dinars. Get your gear on to hunt down the best brands with the lowest prices. Only at BBC. Visit BBC at Al Coot Mall, Boulevard Mall, Salayal Al Jawharat Street, Hawali Street, and Al Rai Ghazali Street today. അറിയാനും അനുഭവിക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹം മനുഷ്യ സഹജമാണല്ലോ. ലോകം വളർന്നു, അകലങ്ങൾ കുറഞ്ഞു, എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ, എത്രയോ സംസ്കാരങ്ങൾ, ഭാഷകൾ, ആചാരങ്ങൾ, ജീവിതരീതി, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രധാരണം, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായി എന്തെല്ലാം ലോകത്തുണ്ട്, അതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്തറിയാം. ഞങ്ങളുണ്ട് എവിടെയും എത്തിക്കാൻ. ഫ്ലൈ ഓ ലക്ഷറി ടൂറിസം റിസർച്ച് സെന്റർ, ഡൗൺ നിയർ കൊമേഴ്സ്യൽ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ കുവൈറ്റ് സിറ്റി. കോൺടാക്ട് നമ്പർ 9951622 34. ഫ്ലൈ ഓ ലക്ഷറി ടൂറിസം റിസർച്ച് സെന്റർ, ഒരു രാജ്യാന്തര സ്ഥാപനം. बेहतरीन ड्राइव के लिए ट्यून इन करें सुहाना सफर हर शाम 6 से 8 आरजे रचना के साथ. और जी हाँ, अरुंधति जी ने तो मेरा दिल ही जीत लिया जब उन्होंने कहा कि वो भी आज क्रोएशिया के साथ है. चलो कोई तो है स्टूडियो में मेरे साथ जो कि मेरा साथ दे रहा है. वैसे बताते चलूं आपको कि पहली बार ऐसा हुआ है इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री जब 19 कार्ड्स मिले हैं किसी को. यार 18 येलो और 1 रेड इन द सिंगल मैच ऑफ अर्जेंटीना लास्ट टाइम जो कि हुआ था नीदरलैंड के साथ. इतना ही नहीं यार, मेसी को तो इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि इस बंदे को निकालो, इस बंदे ने जानबूझ के पार्शियलिटी की है और जिता दिया है सामने वाली टीम को. वेल, फिलहाल दुख की बात तो ये भी है कि उस बेचारे रेफरी को फिलहाल आउट कर दिया है एंड ही इज नो लॉन्गर रेफरी इन वर्ल्ड कप फीफा दिस ईयर. कौन है वो बंदा, क्या नाम है उसका, अगर आपको पता है चलो एक आपको थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ. वो उसका नाम शुरू होता है ए से और उसका नाम बहुत ही सिमिलर है एक फेमस हॉलीवुड पर्सनालिटी से. आपको अगर पता है तो मुझे 6337609 पे आंसर कीजिए. फिलहाल आई एम इन कन्वर्सेशन विद अरुंधति जी. यस मैम, सो टेल मी समथिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट डांस टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस. तो अगर सपोज मेरे दिल में पता ऐसे ही ख्याल आता है काफी बार की Why should I choose this dance form? मैं ये वाला dance form क्यों choose करूँ? अगर मेरा बच्चा है तो आजकल जिस हिसाब से TikTok पे चलता है या जिस हिसाब से पूरी लहर फैली हुई है westernization की, so why shouldn't I put my child in the western dance like hip hop या Bollywood style rather than Bharatnatyam? तो ये थोड़ा choose करना मेरे लिए difficult हो जाता है कभी कभी. Yeah, actually पहली बात तो yes, Bharatanatyam एक साधना है. It's like how when you go to school and you learn your alphabets and then you can choose your subject. Correct. You pick English, science, anything. So dance also, there's so many kinds of dances, you know, around the world. But you being an Indian, when we are so rich with our art and culture, जब हमारे पास इतने सारे 8 different classical dances हैं, तो और जिसके वजह से आपका जो body है, वो foundation है, उसपे आप ABCD डालोगे, तो अगर आप भरतनाट्यम हो या कुछ भी हो, आप वो foundation आप create करोगे, उसके बाद you can dance anything in the world. It's up to you what you want to pick, which language you want to pick. But for a foundation to create the gravity in your body as a dancer, Bharatanatyam is the best option. Also other classical dances I would say, but why Bharatanatyam? Because it has got the laya, bhava, talam, you know, talam matlab, beats, ting ting ting, bhava expressions, and it has got lot of mathematical calculations. Which is why it is very good for children. Can you throw some light on that? Yes, with an example? Example in maths. Okay. So what happens with a Bharatanatyam dancer? She is not or he sirf dance nahin sikhte hai. Jab sikhte hai dance, to kahi aur subjects bhi touch karke sikhte hai. Jaise ki beats maine bola. Abhi bahut sare beats humare bol hote hai. Jose mridanga ya phir khol ya phir tabla se jo create hota hai. Woh sare mathematical hai. Bahut hi complicated mathematics hai. Toh woh
आप एक्चुअली स्कूल में जब हम मैथ्स पढ़ते हैं एटलीस्ट हम बैठ के सॉल्व करते हैं राइट, यहाँ पे डांस करते करते सीख रहे हो, यहाँ पे हमें डांस करना भी है, मैथ्स भी करना है, साथ में अपीयरेंस प्रेजेंटेशन भी रखना है और एक्सप्रेशन भी देना है. तो इतने सारे आप तभी कर पाओगे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल हैज टू कम टू अ पॉइंट एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो विच इज वाई वेन यू लर्न क्लासिकल डांसिंग अ चाइल्ड्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रोज टू अ डिफरेंट लेवल एंड बिकॉज ऑफ दैट वो पढ़ाई में भी अच्छा हो जाता है. और एज आई सेड, और नहीं आपने मुझे बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन बाकी डांस में होता है इसमें नहीं होता, समथिंग लाइक दैट. व्हाट आई फेल्ट वाज कि मेरे ख्याल से इसमें ओवरऑल राउंडिंग अप ऑफ अ पर्सनालिटी, डिसिप्लिन, यस चाइल्ड गेट्स वेरी डिसिप्लिन और उनका रहन सहन, बोलना, बात करना बहुत क्लियर होता है और दे हैव अंडरस्टूड पेशेंस. बिकॉज व्हाट हैपेंस विद क्लासिकल डांसिंग ना, इट इज स्लो. Okay. It is not like आज मैं यू नो नोरा फतेह के गाने में डांस करूँ. फास्ट मैं यूट्यूब ऑन करूंगी, मैं इफ आई एम अ वेरी गुड बॉर्न टैलेंटेड डांसर तो मैं कॉपी कर लूंगी. बट आई डोंट, बट द चाइल्ड डजंट अंडरस्टैंड दैट ही और शी इज कॉपिंग नोरा फतेह. Absolutely. Not herself. She's Absolutely. Not creating herself. So what happens with classical dance or international classical dances, you are creating yourself as a dancer. Okay, as your own identity. You are not copying somebody. And patience इसलिए मैं बोल रही हूँ because इसमें foundation course में A to Z में बहुत धीरे 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 हम सिखाते. Because see, it has got lot to do with yoga and dance. So yoga, you know how it is. Right. Yeah, the mudras, the hand gestures, you know. True. मार्क करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है एंड एज आई सेड फुट स्टेप्स बहुत इंट्रिकेसी हो जाती है बाद में. Right. तो ये सीखते से थोड़ा टाइम लगता है. Whereas बॉलीवुड इजी है. I still remember as a child I joined this Bharatnatyam class. Oh, you and did? I did and I did go for some 6 months. Okay, and the teacher was having that big log of wood aur uske upar wo bada lakdi ka danda and she used to dub 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 pe unko peetti thi aur hum log karte the theek se. But unfortunately the lady got pregnant and she left the class aur uske baad fir हमारे भी एज ऐसा था कि अगर वो टीचर चली गई तो इंटरेस्ट चला गया, फिर किसी और में इंटरेस्ट आ गया तो उसमें चले गए. बट आई रियली रियली रिग्रेट कि अगर उस वक्त मैंने थोड़ा सा कंटिन्यू किया होता या मेरे पेरेंट्स थोड़े से पुशी होते तो शायद आई वुड हैव लर्न डांसिंग, एटलीस्ट नॉट लर्न डांसिंग, आई वुड हैव बीन मोर डिसिप्लिन्ड इन लाइफ और एबल टू हैंडल माई सेल्फ बेटर. Because as you say that it's meditation, part of meditation also. It is, yeah. It helps you, you know, solve your stress in this. तो चलिए अरुंधति जी से आने के बाद मैं पूछूंगी कि मैं जिस डंडे की बात कर रही हूँ तो क्या वो अपनी फैमिली में भी वो डंडा किसी को दिखाती है? मिलते हैं कुछ ही देर में. फिलहाल तो चलता है केसरिया और मेरा फेवरेट तो है और साथ में अरुंधति जी का भी फेवरेट है फ्रॉम द मूवी ब्रह्मास्त्र. अरे जीत यार, उसको कौन नहीं प्यार कर सकता. कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां काजल की. सफर पे मरीना मैंगो के रेडियो स्टेशन जो कि वन एंड ओनली देसी रेडियो स्टेशन है, मेरे साथ है अरुंधति जी फ्रॉम द वेरी फेमस डांस एकेडमी नृत्य ध्याना. व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, इट जस्ट साउंड्स लाइक भरतनाट्यम. बहुत क्लासिकल क्लासिकल नेम ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ इंडियन. अगेन नृत्य ध्याना, नृत्य मीन्स डांस एंड ध्याना मीन्स टू पे अटेंशन, ध्यान, मेडिटेट. ओके, नृत्य ध्याना. आई होप जाते तक मैं ये प्रोनाउंसिएशन ठीक से कर पाऊं, मुझे इसके लिए भी क्लास लेना पड़ेगा. संस्कृत है, आई मीन संस्कृत बाय द वे, आई एम सीबीएसई प्रोडक्ट, उसमें तो संस्कृत करना ही पड़ता था. डेफिनेटली. सो यू नो बिफोर गोइंग आई वाज टॉकिंग अबाउट माय टीचर who left the classes because she was pregnant and with that my journey, very small journey ended. So how is it to you know dance for a lady to dance Bharatnatyam kind of a thing, kyunki usme aap tango se bahut zyada you know pressure dete ho, so your lower body is much in pressure. So how do you manage when you're pregnant to do such kind of classes? Okay, so when you're pregnant, first 3 months obviously you cannot dance. Yes. But you can always, if you are a serious dancer and you don't want to give up on your Bharatanatyam because you got pregnant, you can always get into the abhinaya. Yes, part, right, the expressions, right, because expressions. In Bharatanatyam there are a lot of expression items, especially at Nritya Dhyana. Correct. We specialize in the subject of
Abhinaya, which is expression class. We have separate classes only on that. So maybe the people who don't want to do that physical exertion, they can just do the expression. Do the expression classes and learn the dance items all based on expression classes. On different kinds of nayikas, heroines. Not heroine in movies. We have different kinds of heroines in our Bharatanatyam. Okay, segment, so based on them. Based on so them. When you, how long you are married and how long you are in Kuwait now? I have been married for 10 years. Wow, 10 years is a long time. Okay, so I was talking about that husband ko kabhi wala danda khaya jo hamare teacher mein dikhati thi. Was it a love marriage? Oh, definitely love marriage. Love marriage, yes, okay. Yes. So, love marriage hai toh main Kuwait aayi. अच्छा लव अच्छा मैरिज मेरे जूते तो बोलते तुम जाओ दिनार कमा के यहाँ पे भेजो मुझे ओके एंड यू हैव अ चाइल्ड यस आई हैव अ डॉटर हर नेम इज कायरा कायरा वो भी कहाँ से नाम ढूंढ के लाए हो आपको नायिका का नाम था क्या आपके भरतनाट्यम में एक्चुअली हम मुस्लिम कंट्री में है मैं हिंदू हूँ और वो क्रिश्चियन है ओह इट्स एन इंटरकास्ट मैरिज हुआ था झगड़ा वगड़ा हुआ फाइटिंग कुछ भी नहीं हुआ बड़ी शांत वाली बहुत पेरेंट्स सोच रहे गई घर से चलो गई घर से बहुत भरतनाट्यम करती पूरा फ्लोर हमारा हिला देती है व्हिच इज गॉन शायद सो यू वांटेड सम बिट नेम इन बिटवीन इन बिटवीन यस ओके हाउ ओल्ड इज शी शी इज 4 शी इज 4 सो शी ऑफ कोर्स शी इज 4 सो शी इज एलिजिबल टू जॉइन योर क्लासेस शी ऑफ कोर्स आई हैव जस्ट started with officially now she's okay with the Dashera with this Dashera this year okay. yeah. so she's coming she's learning so yeah. how does she behave like mamma ka class hai to mujhe special treatment milega ya yeah, I can skip this I can skip that yeah initially it was like that and then now no she's very like you know disciplined and then she calls me mama ma'am yeah. that's so cute okay yeah. is your husband inclined towards Bharatanatyam art or it's very funny he had no idea about Bharatanatyam but he met me during the show no when I was in my college he just came down from Dubai and we met and he met me through my college friends okay so he knew the classical thing is going around okay but he was not inclined towards Bharatanatyam at all he was more into hip hop and all that so our styles were different to kabhi aisa kiya ki ek gaane laga ke you know mostly stage shows mein aisa hota hai ki ek baar jo Bharatanatyam chal raha hota aur ek side pe hip hop chal raha hota ya dance western so you like put a half finger to him and then he will be dancing in the Bollywood style he has own choices in mind okay over the period of time now he understands and he pronounces the Sanskrit word much better than much what better it used to be nritya dhyana thoda thoda aane laga hai by the way when you were pregnant did you take a break from this journey or you continued when you were carrying your daughter no I didn't take a break at all yeah no because I had I was already you know on the production of making a show for our school nritya dhyana okay. which was called angahara our annual show in 2018 so wo karte hain it's in Kuwait okay. yeah so every 2 years or 1 year we produce our own shows annual performance for our you know in house students okay. so wo bahut hi mega show tha kyunki usme kafi kaam kiya maine so I choreographed around 18 to 22 items so while I was pregnant yeah so but 18 to 22 items are a lot to talk about lot yes. yeah. to the point to my 9th month I was working yeah the show was when I was 7th month so okay. yeah so yes I was heavily pregnant but शो मस्ट गो ऑन बोलते हैं ना तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं डांस को इधर पॉज करके मैं ये करूँ सो इट वॉज सो ब्यूटिफुली यू नो पैरेलली माय प्रेगनेंसी एंड माय शो माय स्कूल ऑल वेंट वेरी लाइक पीसफुली टुगेदर सो नो एंड ऑफ कोर्स माय स्टूडेंट्स हेल्प मी अ लॉट स्पेशली द लेडीज ग्रुप हियर दे वर ऑलवेज देयर सो दिस एनुअल शो द इट हैज टू बी समथिंग विद अरंगेट्रम आल्सो यस अरंगेट्रम थोड़ा स्लाइटली हटके है Okay, we'll talk about that in a while कि अरंगेत्रम क्या है और कितने लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे तो इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है अरुंधति जी से बात करके शायद मेरा नॉलेज बढ़ जाए आज फिलहाल आप सुनिए मैंने प्यार किया क्यों किया क्या करे यार इतने हसीन साथी हो तो प्यार ऑटोमेटिकली हो ही जाता है और भरतनाट्यम से प्यार ना हो तो आपका इंडियन कहलाना बेकार है एंजॉय दिस लवली ट्रैक ओनली ऑन मरीना मैंगो आप है रचना के साथ अलोंग विद तरुण रिधि जी फ्रॉम नृत्य ध्याना इन मरीना मैंगो सुहाने सफर पे We want mango.
This is Dina Mango. Dil Mange. Suffer your evening drive with RJ Rachna. जी हाँ, वेलकम बैक. और जैसे ही मैंने कहा कि लेडीज जब भी मिलती है ना तो भूल जाती है यार कि वो लोग क्या बातें कर रही थी और कौन सा गाना भी चल रहा है. कोई बात नहीं यार, फिर भी हम एक दूसरे को याद दिलाते रहते कि अभी ऑन एयर जाने का टाइम हो गया है. सो आई एम इन कन्वर्सेशन विद अरुंधति जी फ्रॉम नृत्य ध्याना, जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं. लेट मी टेल यू ऑल कि दिस इज अ डांस इंस्टीट्यूट. डांस इंस्टीट्यूट कहेंगे इसको, डांस एकेडमी कहेंगे, जो कि भरतनाट्यम में स्पेशलाइज्ड है. अरुंधति जी, टेल मी कि बहुत सारे क्लासिकल डांसेस है इंडिया में. मुझे तो नाम भी सब, मुझे बहुत कम चीजों के नाम पता है, जैसे कि कुचिपुड़ी है, कथक है, भरतनाट्यम है. What are the different forms of dances? Indian classical. Yeah, there in India itself we have got 8 different classical dances. Oh really? Okay. एक तो है, आप ऊपर जाओ तो मणिपुर, which was my first dance. Okay, because you belong to Assam. Yeah, so it was very easy, you know. So I had an amazing dance teacher. I started off with Manipuri dancing. Very beautiful dance. जिसमें तांडव और लास्यम दोनों होता है, मतलब fast and slow dance. उसके बाद आप असम आ जाओ तो recently added हो गया क्षत्रिय डांस. वो भी है, इट्स अ मिक्स ऑफ भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड उसके बाद आप आंध्र प्रदेश आ जाओ. आंध्रा में हो गया कुचिपुड़ी, फिर भरतनाट्यम तमिलनाडु में हो गया, देन मोहिनीअट्टम कथक केरला से हो गया. फिर आप हाँ ओडिशा, ओडिसी डांस मैं भूल गई, ओडिसी डांस ऐसे करते हैं जो त्रिभंगी होती है, जो टेम्पल्स में आप देखते हैं ना, जो तारनाज बनी हुई होती है, तो वो जो अंग भंग वाले ब्यूटिफुली काफ गाव. उसके बाद आप लखनऊ चले जाओ, कथक हो गया. तो ऐसे वी हैव गॉट 8 ब्यूटीफुल क्लासिकल डांस. सो विच इज, आर देयर एनी काइंड ऑफ की ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है, विच इज द लाइक कौन सा सबसे ज्यादा आर्ट फॉर्म सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट है इन टर्म्स विद कॉस्ट्यूम एंड फेशियल मूवमेंट्स इज कथकली. Yeah, the one in which you color the full makeup. Yes, the costume is so huge. Huge, and it's very heavy also. अभी तो काफी organic हो गया है, but in the sense, you know, they have made it very light. But पहले those days तो वो बहुत ही difficult था. बहुत. मुझे तो उनसे बहुत डर लगता था जब मैं छोटी थी ना, because of their bhavas and eyes and. But वो तो ठीक है, dressing style की बात. Even dance, the movements are difficult, and then expression, because of their costume is so heavy, they talk. Or they express through their face. So unki, you know, if you ever seen them like you know close up mein, ek cheese move hota hai. Correct. From correct. Their face, each and every eyebrow. Yeah. So according to me, that dance is very difficult. So do you dance also different forms? Or you yes, are I expertise do. In Bharatanatyam. Okay. My forte is Bharatanatyam. As I said, basic sabka ek dance hona chahiye, foundation. Correct. Uske baad I got into Kalaripayattu from Kerala, which is martial arts. Yeah. It's martial arts. So you go on the wo bade khambe pe aap chadte ho. खंबे पे नहीं चढ़ती हूँ, लेकिन हाँ स्पिट्स वगैरह बहुत कर लेती हूँ. और मैं वुड यू नो कलरी पेट्रो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स, द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स कहते हैं इसे. और उसके बाद आई गॉट इन टू ऑफ कोर्स आई नो मणिपुरी डांस विच वॉज माई फर्स्ट. सो मणिपुरी भरतनाट्यम, फ्रॉम भरतनाट्यम आई वेंट टू कलरीपयट्टु, फ्रॉम देयर आई गॉट इन टू इंडियन कंटेम्प्रेरी डांस. आई लव दैट फॉर्म ऑफ डांस. सो आई डू दीज. आई थिंक द बॉडी स्पीक्स सो मच, इमोशन स्पीक्स सो मच थ्रू द बॉडी, लाइक द बॉडी. भरतनाट्यम नॉट यू स्पीक थ्रू योर फेस, बट दिस वन योर होल बॉडी स्पीक्स. यू डोंट हैव अ मुद्रा टू होल्ड. करेक्ट, एग्जैक्टली. योर बॉडी हैज टू स्पीक. या, हैज टू स्पीक.
like. So again, you have to have one form of dance intact in your body to actually explore. आप ऐसे ही explore नहीं कर पाओगे. You have to have one classical. You never thought of having two, three forms of classes running here parallel, like एक में भरतनाट्यम सिखा दो, एक में कुचिपुड़ी सिखा दो, ऐसे like that. Yeah, I did. But लेकिन मैं एक इंसान थोड़ा मुश्किल हो गया. Time divide करना मुश्किल. But now I have called somebody from India. Okay. She is, she is an expert in dance, Bharatanatyam of course, and also in Kuchipudi and Mohiniyattam. So once she is here, probably I will parallelly, you know, start more classes or more branches. Wow, I'm looking fantastic. Forward. Yeah. So right now you're in Salmiya Block 10. Yes, I'm near Senior School. Near Senior School. Right, but in future we'll see in other locations yes, as well. Most likely in Abbasiya Manga. Wow, fantastic. Yeah, so जाने से पहले हम आरंगेत्रम की भी बात कर रहे थे कि आरंगेत्रम में आपको मतलब क्या you will have to, what is it actually? It's आरंगेत्रम. आरंगेत्रम means आपका पहला debut. Performance एक स्टूडेंट का होता है. इट इज एक्चुअली द टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एज अ सोलो डांसर. तो ये आप एक स्टूडेंट एलिजिबल तब होता है जब वो बेसिक से लेके यू नो पूरे जो मार्गम कहते हैं मतलब आइटिनरी भरतनाट्यम वो सीखते हैं इंक्लूडिंग द थियोरी एंड अभिनय क्लासेस. उसके बाद दे कैन थिंक ऑफ यू नो गोइंग फॉर द फर्स्ट सोलो परफॉर्मेंस. और मैं एडवाइस करती हूँ नॉट फॉर एवरीवन ओनली दोज हु आर सीरियस. Yes, because it is not cheap. Yeah, it's very expensive. I heard about it. It's very expensive. It's very expensive. Depends upon the family. You know, how much they can pull in, or they just want to do a basic arangetram. So do you do it every year or you have to do it every year? Currently, by the grace of God, I am doing in a year at least 4 to 5 arangetrams. Oh, seriously? Yes, yes. So my students have come up to a point where they are ready for arangetram and they are very serious. And they are very beautiful dancers. Because I know that there are so many institutes who are not doing arangetram. Although they keep on taking classes over the years, but they have never taken arangetram. They are doing arangetram, but they are doing it like a show, like a group arangetram. But what I'm talking about, they are individual arangetrams. A solo performance. Ye traditionally hai, lekin aajkal schools group arangetram bhi karte hain. Uh-huh. Yeah, yeah. Shayad bahut sare reasons ho sakte hain. Abhi mera pehla arangetram Kuwait mein hone wala hai. I think I should, you know, tell this. In January on 6th, 2023, one of my student, she is going to be performing on 6th Jan, her first arangetram. Okay, we will know about her first arangetram performance just in a short while. Filhal to inhi ke pasand ka gana chal raha hai. Is this in South Indian language, Malayalam language? It's a Tamil. It's a Tamil. Tamil. How do you know Tamil? You are from Chennai, right? I've been in Chennai for 15 years. Okay, so what is the meaning of the song? It's a fisherwoman and fisherman, their love story. So he's saying, you don't have to go so early, you stay back. Okay, enjoy this beautiful track, Vijay Prakash. It is called Innu Konjam. Innu Konjam. Iske bare mein aur baat karenge kuch hi der mein. நேரம் இருந்தால் என்ன ஏன் அவசரம் என்ன அவசரம் நில்லு பொண்ணு மேங்கோ டில் மேங்கே மோர் ஷாப் மோர் சேவ் மோர் விசிட் அஸ் அட் அ மரீனா மேங்கோ டில் மேங்கே மோர் Suhana Safar, your evening drive with RJ Rachna. वेलकम बैक दोस्तों. और मेरे साथ आज है अरुंधति जी फ्रॉम नित्य ध्याना डांस एकेडमी, जो कि मुझे बहुत सारे रोशनी दे रही है, इनसाइट दे रही है अबाउट भरतनाट्यम. और कन्वर्सेशन से पहले, गाने से पहले हम बात कर रहे थे आरंगेत्रम के बारे में. एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट हु इज गोइंग टू परफॉर्म. यस मैम, सो टेल मी मोर अबाउट इट. या सो शी इज गोइंग टू बी परफॉर्मिंग इन जनवरी एंड शी इज बीन प्रैक्टिसिंग डे एंड नाइट बिकॉज़ यहां पे इट्स अ सोलो परफॉर्मेंस. इट्स अ सोलो परफॉर्मेंस, शी इज डूइंग इट सोलो, नॉट इन अ
अपना ग्रुप. सो डेफिनेटली सारे अटेंशन उन पे होंगे और वो एक यंग परफॉर्मर, मैं नहीं एज वाइज नहीं बोल सकती हूँ, शी इज अ लेडी हु इज वर्किंग फॉर ब्रिटिश एयरवेज. ओके, सो प्रेशर इतना ज्यादा है, लोग ज्यादा है और ये कॉन्शियसनेस ज्यादा है, फैमिली सपोर्ट बहुत है फ्रॉम अस, फ्रॉम हर फैमिली, फ्रॉम हर फ्रेंड्स, वो सब है. लेकिन यस, ये एक डेफिनेटली बेंचमार्क बनने वाला है बिकॉज नृत्य ध्याना से हमारा ये पहला रंगेतरम होगा जो कुवैत में होगा. यूजुअली हमारे सारे इंडिया के होते हैं बिकॉज यू नो एवरीबॉडी बिलोंग्स टू इंडिया ऑफ देयर ओन डिफरेंट स्टेट्स. लेकिन यस, ये एक शो होगा, तो आई होप एवरीथिंग गोस वेल. ऑफ कोर्स इट विल गो वेल. शी इज रियली वर्किंग हार्ड. यू आर आल्सो वर्किंग वेरी हार्ड बैकग्राउंड में. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. एंड उसके बाद वी आर ऑल्सो पैरेलली प्रिपेयरिंग फॉर आर नेक्स्ट अपकमिंग एनुअल शो. ओके, जो यूजली वी डू इट एट अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल. एंड उसके लिए हम लोग अभी पेप अप हो रहे हैं सारे बच्चे. So when is it going to be? Most likely around 5th May or so you are preparing now. Yes, tentative है, dates अभी भी tentative है because preparing just preparation शुरू हुआ है अभी. So but yes, we are going to be performing next year by May, first week of the Friday. Yeah. So do you do any commercial performances also or stage performances for other programs? Yes, we do. Yeah, yes, we do. We our school is that way, very professional. And we don't believe in actually you know, good question. Usually artist jo hote hai na, log aate hain hamare paas aur sabke paas ki aapko platform milne wala hai. Yes. आपको बेंच मिलने वाला है, आप आपका कला यू नो दिखा सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो. लेकिन ये आर्टिस्ट के लिए कब तक? सो आई टीच और आई क्रिएट माई स्टूडेंट्स इन सच अ लेवल दैट दे आर प्रोफेशनल. करेक्ट. ये प्लेटफॉर्म रोज रोज के लिए नहीं होना चाहिए, बट दे ऑल्सो हैव टू यू नो सी समथिंग आउट ऑफ इट. सो व्हेनेवर माई स्टूडेंट्स यू नो डू कमर्शियल प्रोग्राम्स, आई मेक श्योर दे आर पेड. ओके, या सो दैट दे पीपल विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एन आर्ट. But you know, this particular art consumes a lot of time. Yes, yes. Even dressing up. So where do you get your dresses from? You bring everything from India? Usually, yeah. The main dress, you know, the Bharatanatyam, jo core dress, so wo hum log India se hi order karte hain. I take the measurements and I give it to them. And that's the tailor has been working with us from a long, long time. And also the best ornaments, jo bhi hai, hum log India se hi leke aate hain. Because they are the best. They are the best, yeah. I think, jab aap kisi ladki ko dekhte ho, when she's dressed completely in that Bharatanatyam attire with the right makeup, right makeup, she looks just so glamorous. Yeah. You know, so Indian, so classical, so glamorous that you feel that yaar, India mein kya nahi hai, sab kuch to hai isme. Yeah. Like you know, log aise daud rahe hain western dances ke peeche. And recently actually we did an ad, commercial ad for an international company, food company. I still cannot disclose the name. Completely understand. So jab hum log I was also part of it, they wanted to show the rich India. So when they say rich India, and they for some reason, how I don't know, they went through our website. Okay. And they checked all our dance performances. We have a website called www.nrityadhyana.com and also a Google, So on this particular website, you have everything. We have everything. So all the ladies and gentlemen, if you want to know more about Nitya Dhyana, you have to go to that website and check it out on your own. Also, what else do you offer? Like other than the classes, what else do you offer? We offer, my background comes with many different things, like for example, you're like, I am a, my forte is Bharatanatyam. Okay. But I have, as I said, I have done many other fine arts. Correct, you know, correct. In terms with dance and martial arts and all that. And I was also doing a lot of theater and TV. Did you try movies anytime? Yes, yes, I did. Oh, really? Okay. You can check up all this on the website. Oh, okay. Autograph lena padega, pata chala ki. Yeah, so down south, yes, I did. And that's how I picked up on Tamil and, you know, Malayalam. Right now, don't ask me because the pronunciation of Gopra Das. Okay. Yeah, so all these, all the experiences that I had in my
and number of years, I put that in my school. Correct. So I believe that ठीक है आप भरतनाट्यम सीख जरूर रहे हो basic के लिए. उसके बाद when I see a child growing to a level like a like you know higher Correct. Or advanced, I start putting in things from different like mm-hmm. I love to create. आपका exposure इतना ज़्यादा है, so you can tap the talent also yes. and give them back yes. what they needed. Yes. So when we create shows, when I create or I direct my shows, it is not only based on Bharatanatyam. Mm-hmm. It you will be able to see a lot of other things. Mm-hmm. The stage will be larger than life, first of all. and the kind of dance that we perform, हो सकता है वो किसी और ने भी किया हो, लेकिन हमारा presentation हटके हो. नमक थोड़ा ज़्यादा है या थोड़ा कम है या एकदम correct है, ये जानेंगे हम उनसे कुछ ही देर में, क्योंकि मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि कितना difficult होता है हर एक डांस को कोरियोग्राफ करना, डिफरेंट टाइप्स के डांसेस को कोरियोग्राफ करना, स्पेशली तब जब तुम्हारा एक एनुअल शो आने वाला होता है. तो इट्स सो डिफिकल्ट टू चूज अ सॉन्ग, टू यू नो पुट द स्टेप्स इन इट एंड टू गेट एंड टू मेक इट लुक मोर इनोवेटिव. हाउ डिफिकल्ट इट इज, वी टॉक टू हर इन सम टाइम. फिलहाल तो नाम है तेरा क्या है ये पूछते हैं हम हिमेश रेशमिया से, बता देंगे आपको. Your evening drive with RJ Rachna. वेलकम बैक एवरी वन. आई होप आपकी कॉफी शॉफी हो गई होगी. अभी तो यार खाना खाने का टाइम हो गया है, क्योंकि बज गए हैं 7:27 एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू माई स्टूडियो वॉच हियर. और आधा घंटा और है आपके पास इन सुहाना सफर, एंड आई एम इन कन्वर्सेशन विद मिस अरुंधति जी, जो कि चलाते हैं यहाँ पर उनका एक बहुत ही फेमस नृत्य ध्यान इंस्टीट्यूट. सो वेलकम मैम अगेन, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू यू. मैं जाने से पहले आपसे पूछ रही थी कि आपका एनुअल शो होता है हर साल, सो यू नो कितना डिफिकल्ट होता है हर एक कोरियोग्राफी को डिजाइन करना, या उनका ड्रेसिंग अलग अलग होना चाहिए, देन यू हैव टू यूज द सेम गर्ल्स एट टाइम्स फॉर डिफरेंट परफॉर्मेंसेस. डू यू यूज द सेम गर्ल्स फॉर टू थ्री परफॉर्मेंस, यस, या फिर एक ही परफॉर्मेंस? नहीं नहीं नहीं, हर एक बैच या फिर हर एक समटाइम्स हर एक लड़की को भी, डिपेंड करता है उनके टैलेंट के ऊपर, लेकिन यूजुअली हम बैच वाइज जाते हैं. तो हर एक बैच का एटलीस्ट मिनिमम टू टू थ्री परफॉर्मेंस तो बनता ही है. यूजुअली हम अगर वो भरतनाट्यम बेस्ड है तो कॉस्ट्यूम चेंज नहीं करेंगे. पूछने वाली थी मैं कि कॉस्ट्यूम चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है. अगर उसके बीच में हम कुछ और कर रहे हो, या फिर कलरी कर लिया हो, या फिर इंडियन कंटेम्प्रेरी कर लिया, तो फिर ड्रेस चेंज तो करना ही पड़ेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्रेसिंग विच इज वेरी रिच, योर भरतनाट्यम ड्रेस इज वेरी रिच. यू टॉकिंग टू मी अबाउट योर कॉमर्शियल एड विच यू हैव डन. सो डस दिस काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम हैज एन इम्पैक्ट ऑन outsiders? Surprisingly, yes it was. Uh-huh. Because they saw our videos on our YouTube channel. Yes, by the way, we have a YouTube channel too. Okay. क्या है handle उसका? नित्य ध्याना. नित्य ध्याना. Kuwait डालने से, लिखने से ही आपको मिल जाएगा. अच्छा, Kuwait नित्य ध्याना. You can see all different kind of performances that we have done so far. Okay. Including mine. Okay. Yeah, है. तो उन लोगों ने रिसर्च किया होगा Kuwait में, so they found out that way. तो दे स्टिल एक बार होता है ना, सो आपको ये कुछ वास्ते वास्ते से नहीं मिला नहीं, है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. okay, okay. बिल्कुल नहीं. नृत्य ध्याना के पास जब भी कोई चीज आया है वो पूरे मेरिट्स में आया है. यहाँ पे वास्ता सिस्टम तो है ही नहीं. ओके ओके ओके, जोक्स अपार्ट, बट ये जब उन्होंने हमें देखा कि हम दे वर टेलिंग अस कि वी नीड दिस सेगमेंट, वन मिनट होगा आपका डांस, ऐसे होगा, ये करना है, वो करना है, दे केप सेंडिंग अस यू नो व्हाट दे वांट. सो आई कोरियोग्राफ्ड अकॉर्डिंगली विद द बेसिक यू नो द बेसिक music they had given me. So, so was it in Indian music? It was not exactly Indian music. Mixed music kind of, yes. Okay. लेकिन उन्होंने जब हमें dress के साथ देखा, so how many students participated? We were four of us girls. Only four of you. Okay. So, and when they all saw us, you know, they were zapped. They were like, yeah, okay. This is you. This is what India is. This is how rich you all are. So these were the questions. So this is what I'm trying to say. Like India is so rich in art and culture that it's actually sometimes overwhelming. And I people especially living in abroad, I think they understand this much more than people living in India. Like people living in India have become more Westerners. So you while conversating with you, you also told me that they given you a very short time for that particular commercial, but they increased your performance looking at your... So what happened, they were so like, they on the spot, they said, we need one more shot from you. They asked me if I can give them one more shot. So they have designed this, you know, supermarket hair
Correct. So people of all different kinds of yes. You know, okay. So they got one more shot for you specially, and they accommodated in their ad only because they wanted to see colors. Yeah, only because they found you so rich and in culture and this is what India is. Yeah, the makeup, the jewelry and the dress. So they were very, very happy. Very impressed. Because many people, they don't know, you know, people living in abroad. Yeah. So I felt good because it was like a knowledge for them. Yes. I felt really good. And then to represent your own country for somebody else. Yes, feel very proud. It's very proud. Like cricketer jab jata hai maidan mein bat leke, to he feels so proud ki main India ko represent kar raha hu. So you feel the the same feeling when you're representing your country, and they called you just because you're Indian, and they just wanted to have that culture, the richness. That's why they gave you a call, and because they want to show that Indians ke bhi masale vagara wahan milte hain. Acha, okay. So on that note, Indian food milte hain wahan pe. Right. On that note, they wanted the Indianness. Yeah. So the Indianness ke jo baaton mein they could, now what happened, they couldn't, they didn't know. So ye Bharatnatyam will bring this into their ad, you know. So they were also surprised, and it was a happy surprise. Yeah, and also because your students were so well dressed and groomed, you could bring that out. Yes. So see, sometimes I also feel ki as an Indian, humara responsibility hota hai ki hum apne country ko acche se dikhaye, aur wo aapne kiya. So very soon we are going to see this commercial. We cannot name it still. It's going to come on air very soon. But जब भी आप इसका commercial देखोगे, आने वाले shows में जब ये release होगा, तो मैं तो आपको जरूर बताऊंगी कि कौन सा है ये commercial, क्योंकि मैम ने अभी तक मुझे भी नहीं बताया है. She is, you know, she is completely बहुत ethics वाली है, तो उन्होंने मुझे भी उसका नाम नहीं बताया. उन्होंने कहा कि आपको जल्दी पता चल जाएगा, पर जैसे ad आएगा तो वो मुझे link forward करेंगे, और मैं आपको definitely बताऊंगी कि कौन सी ad में नृत्य ध्याना के students है, और कौन सा वो ad है जिन्होंने इनको उनके टाइम फ्रेम से, टाइम शॉट से भी ज्यादा ऑन एयर टाइम दिया. दैट्स रियली ब्यूटीफुल फॉर अस इंडियन, अ मैटर ऑफ प्राउड. कमिंग अप फॉर यू एज अनदर तमिल सॉन्ग. इनको तमिल बहुत अच्छी आती है, तो हमने कहा कि ये ही बजा देते हैं, और वैसे ये गाना इनकी चॉइस है. Shall I dedicate this to your husband? Not this one. I know the Hindi version of this song, so not this one. No, he likes the other one, that that Hindi song, no? Yeah, the Hindi version of this? No, the other song which you said, the old song. Okay, चलिए फिलहाल सुनते हैं Samantha को, और बनाते हैं थोड़ी सी गर्मी हमारे स्टूडियो में. Yes, welcome back to Suhana Safar with मेरे यानी ओरजी रचना के साथ, only on Marina Mango, जहां दिल मांगे मोर. और आज जैसे कि मैं स्टूडियो में अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी साथी है. गुरु जी है, मैडम जी है, टीचर जी है, इंस्ट्रक्टर नहीं कहूंगी, क्योंकि इन्होंने मेरे ज्ञान में बहुत बढ़ोतरी की है, और उन्होंने कहा है कि इस फील्ड में हम इंस्ट्रक्टर नहीं कहते, हम कहते हैं गुरु जी. सो मेरे साथ है अरुंधति जी, जो की है नृत्य ध्याना की डायरेक्टर एंड गुरुजी एंड एवरीथिंग पुट टुगेदर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और डांस एकेडमी. सो मैम, सपोज आई वांट टू जॉइन योर इंस्टीट्यूट, टेल मी वेयर इट इज लोकेटेड, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्लासिकल डांस. मेरे को तो सिर्फ बाराती में नाचना आता है. यस यस, नृत्य ध्याना इज लोकेटेड इन सालमिया ब्लॉक 10, जस्ट बिहाइंड सीनियर आईसीएस स्कूल. ओके. और गूगल लोकेशन हमारे वेबसाइट में है, और वेबसाइट है www.nrityadhyana.com. और हम यूट्यूब पे भी है, तो सारे हमारे जब के डांस देखना है, ऑल काइंड्स ऑफ डांस, लाइक व्हाट एवर वैरायटी ऑफ डांसेस दैट वी हैव डन और परफॉर्म्ड, हम यूजुअली अपलोड कर देते हैं. सो दैट इज ऑल्सो नृत्य ध्याना कुवैत. नृत्य ध्याना यू से यू सी आर यू नो स्पेल इट, NRITA नृत्य ध्याना, DHYANA. ओके, परफेक्ट. ठीक है, द स्कूल ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस. एनी फोन नंबर व्हेन दे कैन कांटेक्ट? यस, यू कैन कांटेक्ट मी एट 9757 9748. 9757 9748. यू गॉट अ सिमिलर नंबर. वेरी इजी टू रिमेंबर. वेरी इजी टू रिमेंबर, राइट. एंड व्हाट एज ग्रुप? एनी एज ग्रुप इज फाइन. एनी एज ग्रुप, द चाइल्ड हैज टू नो हाउ टू टॉक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश. ओह, फैंटास्टिक. यस, एंड शुड बी आल्सो तमिल, यू नो लिटिल तमिल, आल्सो हिंदी, यू नो लिटिल हिंदी. आई कैन मैनेज टुटा फुटा
इधर कहीं से भी, as long as I can give her the knowledge of dance. Correct, correct, correct. And the maximum age तो मैं कभी नहीं देखती हूँ. You were fit to walk, you can dance. Wow, fantastic, fantastic. So this is all about Nritya Dhyana. Thank you very much, ma'am, for joining us today and enlightening us so much with Indian culture. क्योंकि हमें Indian culture के बारे में Indian होने के बावजूद ज़्यादा नहीं पता. So thank you so much for coming here and making all our listeners understand the meaning of Bharatnatyam. And all of you listeners here, you can always join Nritya Dhyana. The Guruji here, she is बहुत पहुंची हुई माया यार. इन्होंने बहुत सारे shows किए हैं, not just in Kuwait but so many different countries. She has performed in different stages, and she also comes from art background, and she has loads of talent. She's multi talented person. One hat में बहुत सारे feathers हैं, शायद आप गिन भी ना पाओ. एक्चुअली बहुत कम लोगों को मौका मिलता है अपने पैशन के लिए काम करना. पर देखो, अगर दिल में ख्वाहिश हो और नॉलेज आपको सब में बांटना हो तो आप जैसे लोग रास्ता ढूंढ ही लेते हैं. यस, एंड यू नेवर गेट बोर्ड. यू नेवर गेट बोर्ड. सो थैंक यू वेरी मच. दिस इज अरुंधति जी साइनिंग ऑफ फॉर द टाइम बीइंग. होप कि मैं कभी उनकी स्टूडेंट बन पाऊँ. यार मैं थोड़ी सी चंचल स्टूडेंट हूँ, देखूँ कि मुझे कैसे कंट्रोल करेंगे. थैंक यू सो मच मैम. एंड टू ऑल द लिसनर्स हियर, इफ यू वांट टू विन जजीरा एयरवेज का फ्री राउंड टिकट, देन ऑल यू हैव टू डू इज आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन इज, व्हिच इंडियन सिटी इज द लेटेस्ट एडिशन टू जजीरा एयरवेज नेटवर्क रूट दैट लॉन्च्ड लास्ट मंथ नवंबर 3rd. तो आप मुझे इसका आंसर कर सकते हो 6337609. कौन सा इंडियन सिटी है जो कि जजीरा एयरवेज के नेटवर्क रूट में पिछले महीने लॉन्च हुआ है? आप मुझे आंसर करिए. और हमारा लकी ड्रॉ होगा ऑन थर्सडे 3 o'clock और SRK शो में अनाउंसमेंट होगी उस लकी विनर की. सो ये लास्ट मौका आप मत छोड़िएगा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. और आज रचवचन में जाने से पहले मैं कुछ तो समथिंग तो कहूंगी डांस के ऊपर ही, पर उसके पहले ये भी बता दो कि आज एक और सेलिब्रिटी आर्टिस्ट का बर्थडे है. अगर आपको वो वाली मूवी याद है, अनाड़ी मूवी एक आई थी करिश्मा कपूर की, तो उनके साथ एक एक्टर थे जिनका नाम है व्यंकटेश. तो आज उनका भी है हैप्पी वाला बर्थडे. उनको एक्चुअली किंग ऑफ रीमेक बुलाया जाता है क्योंकि ना बहुत सारे मूवीज के रीमेक किए हैं. अगर आप बॉलीवुड मूवीज को ही ले लो तो वेडनेसडे, देन बोल बच्चन, ओ माय गॉड, दृश्यम, इन सब की कॉपी उन्होंने करी है और इसी की वजह से उनका करियर जो है वो इतना अच्छा चल पड़ा है. और अगर आपको मुझे फिलहाल वो गाना याद नहीं आ रहा है. अरुंधति जी, डू यू रिमेम्बर दिस सॉन्ग? करिश्मा कपूर और वेंकटेश का बहुत फेमस हुआ था अनाड़ी मूवी का गाना. Yeah, it was long back. Long back. फूलों का समथिंग, फूलों सा चेहरा तेरा. Yes, वो वाला हीरो, उसका आज है हैप्पी वाला बर्थडे. सो विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम बोथ ऑफ अस. ओके, और जाने से पहले आज मैं कहूंगी डांस के ऊपर, रचवचन मेरा होगा डांस के ऊपर ही, कि नाचने का हुनर बचपन से ही सीख लो. जी हाँ, नाचने का हुनर बचपन से ही सीख लो. ये जिंदगी तो वक्त बेवक्त नचाती ही रहती है. सो टेक केयर. कल आप सब लोगों से फिर मुलाकात होगी. वेनसडे का दिन है, ब्यूटीफुल डे, क्योंकि थर्सडे आ रहा है ना, तो मेरी तो वेनसडे से मेरे चेहरे पे एक अलग सी खुशी आ जाती है. दिस इज रचना साइनिंग ऑफ, लीविंग यू विद जटा नशा. आई लव दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी थैंक गॉड.